हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ दरकने शुरू हो गए हैं। पहाड़ों से मलबा दरक कर सड़कों पर आ रहा है, सड़कें जाम हो रही हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार पेश आ रही हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड से आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है हिमाचल प्रदेश में। और ऐसे में मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से ये अपील भी की है कि बहुत जरूरी अगर हो तो अपने घरों से बाहर निकलिएगा, अनावश्यक चीजों के लिए घर से बाहर न निकलें, क्योंकि प्रदेश में हालात गंभीर हैं मौसम के चलते। उन्होंने कहा सरकार की नजर पूरे प्रदेश की स्थिति पर है। आखिर पूरे प्रदेश में कहां कहां तबाही हुई, तबाही कितनी हुई, तबाही में कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई, प्रदेश को जो क्षति लगी है उसका आकलन भी लगातार बराबर किया जा रहा है, बराबर आका जा रहा है। जान माल की कम हानि हो इस दिशा में सरकार काम भी कर रही है। देखिए आर्थिक नुकसान तो प्रदेश को हो ही रहा, सरकार की प्राथमिकता है कि जान का नुकसान कम से कम हो, क्योंकि ये वो नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और हर तरीके के नुकसान की भरपाई हो सकती है, लेकिन अगर जान का नुकसान हो तो उसकी भरपाई कर पाना नामुमकिन। तो पूरे प्रदेश में बनी स्थिति पर सरकार की भी नज़र बनी हुई है। सीएम ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। हिमाचल की जनता से और बाहर से आने वाले लोगों से अपील की है कि रात के समय हो सके तो कम सफर करें और अधिकतर घरों में रहें। जहां लैंडस्लाइड्स की बात है वहां अगर किसी घर के पास लैंडस्लाइड्स होने की संभावना है तो उन घरों को खाली करने की किया जाए, उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल की जनता से